जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर APURL करके हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक नया एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी अगर प्ले स्टोर की जो सेट URL है वो अगर हम पुट करते हैं तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते ही वो डायरेक्ट हमारे प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाएगा। वो जो URL है, मैं यहाँ से, ये एक एप्लीकेशन है HTML कोड एडिटर, तो ये इस एप्लीकेशन का आप जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको इसका सेट URL मिल जाएगा। तो वही सेट URL मैंने इसमें से कॉपी कर लिया और अगर मैं इसमें वो URL इसमें पुट कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसमें इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा तो वो हमारे जो प्ले स्टोर में वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं उसे इंस्टॉल करता हूँ तो वो हमारी एप्लीकेशन में पता चल जाएगा कि हमने इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। तो अगर हमें इसको इंस्टॉल करे बिना ही बैक कर देते हूँ तो इसमें ऐसे प्रोग्रेस होगा और इसमें लास्ट में नोटिफाई हमें शो कर देगा कि आपने इंस्टॉल नहीं किया या इंस्टॉल फेल का। जैसे कि अभी प्रोग्रेस हो रहा है तो अभी इसने नोटिफाई कर दिया कि आपने वो एप्लीकेशन में क्लिक तो किया लेकिन इंस्टॉल कन्फर्म नहीं हुआ है। तो हम दोबारा इसमें क्लिक करते हैं और इस बार हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो गया है और बहुत ही कम साइज़ का ये एप्लीकेशन है, तो ये कुछ ही सेकेंड में वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, हमारा ये एप्लीकेशन जो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है और अभी इंस्टॉल भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी अगर हम इसमें से बैक करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन की जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जैसे ही बैक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन में चला जाएगा और यहाँ से वो प्रोग्रेस करेगा कि हमने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया कि नहीं। तो जैसे कि अभी लोडिंग हो रहा है, तो अभी लोडिंग हमारा कन्फर्मेशन हो गया कि हमने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, वो सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इस तरह का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, तो यही APK मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग एक बार टेस्ट करके देखिए कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने ट्राई किया, वो सही से वर्क करता है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो भी आपका नोटिफाई शो करेगा कि इंस्टॉल सक्सेसफुल। तो इस तरह का आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई अगर आप रेफर का कोई एप्लीकेशन अगर देते हैं वो इंस्टॉल करेगा तभी आप एज ए उसको पॉइंट देंगे। तो वही चीज़ है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने से ही नहीं होगा, इंस्टॉल कंप्लीट सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको एज ए कोई भी रिडम पॉइंट अगर आप देते हैं वो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए दे पाएंगे। ये एक डेमो प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने बता दिया कि आप URL के अंदर कोई भी अगर प्ले स्टोर की URL इसमें पोर्ट करके इंस्टॉल करेंगे वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके प्ले स्टोर में। तो वहाँ से अगर आप इंस्टॉल करेंगे तभी इसमें बैक करने के बाद वो वेरीफाई कर लेगा कि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया कि नहीं। तो अगर इंस्टॉल किया होगा तो इंस्टॉल सक्सेसफुल दिखाएगा, तो अगर इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल फेल। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने और भी फीचर्स लगाया है कि कोई अगर आप ब्लैंक करके इंस्टॉल बटन क्लिक करेंगे तो भी नहीं होगा, और आप कोई दूसरा URL अगर किसी और ऐप का URL या किसी और प्लेटफॉर्म का URL अगर आप यहाँ पे देंगे, गूगल ड्राइव का या कि मतलब कहीं का भी URL अगर यहाँ पे पुट करेंगे वो एज ए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो इसकी जो प्ले स्टोर की सेड URL है वही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि सभी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन में नीचे आपको उसकी जो सेड URL है वो आपको मिल जाता है, वही URL को एज ए कॉपी करके आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पोर्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और उसमें ही आपको उस APK का लिंक मिल जाएगा और कुछ ही दिनों में मैं उसका AI फाइल भी हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।